न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को शाहरुख खान से इतनी नफरत क्यों है? वो शाहरुख खान को गद्दार क्यों समझता है? नाउ हैव अ 3-year-old सन फॉर सम रीजन he can hear everyone from inside and he say, Papa, peoples have come, bachas have come, so please come out and let's wave. And he comes out and waves with me and he really enjoys it. Or he stands on the balcony and starts waving on my birthday or on Diwali or on Eid or whatever the Ganpati. We also have a Christmas Mela here. So that time also there's a lot of crowds, there's a bazaar here. So I have to partake in every kind of festivity. आज मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को जो शाहरुख खान से एलर्जी है ना, वो मुद्दा शाहरुख खान का नहीं है, वो मुद्दा है धर्मनिरपेक्षता का, वो मुद्दा है वो तमाम सिद्धांतों का जिन सिद्धांतों पर ये देश आधारित है। और आज मैं न्यूज चक्र के जरिए उसे साबित करने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ अब तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यह मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। आज भी यह मामला अदालत के सामने आया और अदालत के सामने जब यह मामला आया तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि आर्यन खान के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए हमें एक हफ्ते का वक्त चाहिए। इन लोगों ने दोस्तों इतने दिनों तक तैयारी की, इन्होंने इतनी गिरफ्तारियां की, अभी भी इनको एक हफ्ते का वक्त चाहिए। अदालत ने फिलहाल इन्हें बुधवार तक का समय दिया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि आर्यन खान बुधवार तक जेल में रहेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि शाहरुख खान से दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र को क्या दिक्कत है, मैं आर्यन खान वाले मामले में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, पिछले ही हफ्ते इन तीन लोगों को, 11 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में लिया। इन तीन लोगों को, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, रिहा कर दिया गया। ये तीन लोग कौन है? ऋषभ सचदेव, आमिर फर्नीचर वाला और प्रवीण गाबा। ऋषभ सचदेव भी उसी क्रूज के अंदर थे, आमिर फर्नीचर वाला भी उसी क्रूज में थे और यही नहीं, प्रवीण गाबा भी उसी क्रूज में थे। इनमें से ऋषभ सचदेव पर अगर आप गौर करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साले साहब हैं। अब ये सवाल उठा रही है एनसीपी कि इन्हें इसलिए रिहा कर दिया गया है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और बात यहां नहीं रुकती, खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रही है, आप इन दोनों खबरों में देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ये इंडिया टुडे की खबर है, दोनों खबरें आपके सामने कह रही हैं कि शाहरुख खान के खिलाफ हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ जो है हमें कोई ड्रग्स नहीं मिले। जब हमने उन्हें पकड़ा था, उनके पास ड्रग्स नहीं थे। बात यहां तक नहीं रुकती है, आर्यन खान के जो वकील हैं सतीश मानशिंदे, वो ये तक कहते हैं कि आर्यन खान उस क्रूज में चढ़े ही नहीं थे जहां पर इनकी गिरफ्तारी बताई जा रही है। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, किरण गोसावी और मनीष भानुशाली। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये दोनों लोगों को पकड़ के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर ले जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं, इनमें से किरण गोसावी जो है वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बताए कि ये आदमी इनकी रेड में क्या कर रहा था। अब ये जो मनीष भानुशाली है, ये बीजेपी का एक नेता है, कार्यकर्ता है बीजेपी का, और ये देखिए किस तरह से लोगों के हाथ पकड़कर वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने ले जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी संस्था बन गई है? हालांकि मैं जानता हूं इस देश में अधिकतर जो संस्थाएं हैं, मीडिया से लेकर ईडी से लेकर इनकम टैक्स से लेकर सीबीआई, सभी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्थाएं हैं। मगर यहां तो खुला खेल फरुखाबादी हो रहा है।
यहां पर आप देख सकते हैं कि मनीष भानुशाली और किरण गोसावी दोनों जो कि बीजेपी के करीबी हैं, एक बीजेपी का नेता है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड टीम में शामिल हैं। इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। मगर मुद्दा यहां पर यह है कि आर्यन खान को टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्या एक साजिश के तहत आर्यन खान पर निशाना साधा गया, यह सवाल उठना तो बहुत लाजमी है। मगर उससे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस चेहरे की तरफ, शाहरुख खान। नाम तो सुना होगा, शाहरुख खान, जिन्होंने कभी राज बनकर कभी राहुल बनकर हमारा दिल जीता। शाहरुख खान जो 1991-92 से फिल्म इंडस्ट्री में हैं और लगातार अपने रोल्स के जरिए उन्होंने हमारे दिल में मुकाम बनाया, और जब भी हमने राहुल को या राज को देखा स्क्रीन पर, हमने कभी भी यह नहीं सोचा कि इस राहुल का किरदार निभाने वाले के पीछे एक मुसलमान है। जी नहीं, हमने इतनी मोहब्बत की कि कभी हमने यह नहीं सोचा एक हिंदू होकर कि जो व्यक्ति राहुल और राज का किरदार प्ले कर रहा है वो एक मुसलमान है। शाहरुख खान उस फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं जहां मैं जानता हूं भाई भतीजावाद है, जहां मैं जानता हूं वंशवाद है, मगर वो तो राजनीति में भी है। मगर खूबसूरती इस फिल्म इंडस्ट्री की ये रही है कि आप अपना मुकाम इसलिए हासिल नहीं करते हैं कि आप किसी के बेटे हैं, आप अपनी प्रतिभा के आधार पर यह मुकाम हासिल करते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरती यह रही है कि बेशक आप मुसलमान रहे हों मगर व्यवस्था आपके खिलाफ काम नहीं करती है। कुछ नामों पर गौर कीजिए दोस्तों, मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ साहब, दिलीप कुमार, मधुबाला, वहीदा रहमान, जावेद अख्तर, खयाम साहब, ये जो तमाम नाम हैं ये लोग मुसलमान हैं, मगर ये वो लोग थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया और इंडस्ट्री ने कभी पलटकर इन पर उंगली नहीं उठाई कि तुम मुसलमान हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे एक दोस्त हैं और कांग्रेस की नेता भी हैं, यास्मीन किदवाए, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, नाम था इसका फिल्मिस्तान, और इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर रूमी जाफरी जो कि लेखक हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि यह फिल्म इंडस्ट्री कभी आपसे यह नहीं पूछता कि आपका मजहब क्या है, यह फिल्म इंडस्ट्री आपको आपके मुकाम पर पहुंचाता आपकी प्रतिभा के मुताबिक। क्यों? क्योंकि इसकी जमीन पर आधारित है धर्मनिरपेक्षता, और उस जड़ को भारतीय जनता पार्टी नहीं हिला सकी है। मैं चाहूंगा रूमी जाफरी साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। असली जो हमारा हिंदुस्तान है वो आप किसी भी एंगल से सोच लीजिए, अगर आप नेशनल इंटीग्रेशन के लिए देखें, एंटरटेनमेंट के लिए देखें, म्यूजिक के लिए देखें, पोइट्री के लिए देखें, असली जो हिंदुस्तान है उसको रिप्रेजेंट करता है तो सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री करती है। और हिंदुस्तान का जो असली स्वरूप जो आज़ादी के बाद सोचा था वो भी सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है। यहाँ पे आपका नाम और आपकी ज़ात, आपकी कौम है ना, उससे आपको काम नहीं मिलता, ना उससे इज्जत मिलती, आपको सिर्फ अपने काम से इज्जत मिलती। आप यहाँ पे हिंदू आदमी मुसलमान का रोल करता है, मुसलमान हिंदू का रोल करता है, यहाँ पे शकील बदायूनी भजन लिखता है, रफ़ी साहब गाते हैं, नौशाद कंपोज करते हैं, तो ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ये जैसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं कि पूरा देश ऐसा। दोस्तों 1977 में एक फिल्म आई थी, अमर अकबर एंथनी, अमर जिसका किरदार विनोद खन्ना ने प्ले किया, अकबर ऋषि कपूर ने, और एंथनी गोंजाल्वेस अमिताभ बच्चन ने। आप जानते हैं उस फिल्म में सबसे ज्यादा तालियां किस किरदार के लिए बजी थी? एंथनी गोंजाल्वेस के लिए। अब आप जानते हैं इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, और उसके बाद ईसाई हैं। अब इस लॉजिक से सबसे कम तालियां एंथनी गोंजाल्वेस के लिए बजनी चाहिए थी, मगर नहीं, लोगों ने अमिताभ बच्चन के किरदार को पसंद किया, उनके कैरेक्टर को पसंद किया, और अमिताभ बच्चन बतौर अभिनेता बाकी दो से उनका मुकाम कहीं ज्यादा ऊंचा था, इसलिए लोगों ने उन्हें पसंद किया। अब अगर यह देश धर्मनिरपेक्ष ना होता, अगर यह देश की नसों में सांप्रदायिकता भरी होती, तो लोग तो शायद विनोद खन्ना के किरदार यानी कि अमर को ज्यादा पसंद करते। कल्पना कीजिए, क्या अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्म आज की तारीख में बन सकती थी? बन सकती थी।
मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया शाहरुख खान की खासियत ये रही है कि वो एक मुसलमान है, बावजूद इसके हमने उन्हें मोहब्बत की उनके किरदारों के जरिए, राहुल और राज के जरिए। भारतीय जनता पार्टी इस बुनियाद को खत्म करना चाहती है, उनका प्रचार तंत्र इस बुनियाद को खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने एक्टर्स को उनके मजहब के नजरिए से देखें, उनकी प्रतिभा के नजरिए से ना देखें, उनके किरदारों के नजरिए से ना देखें। वो चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मजहब का चश्मा लगाकर इस दुनिया को देखें। और अगर हम ऐसा करेंगे ना दोस्तों, तो बतौर देश हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस देश की जड़ें बहुत मजबूत हैं। इस देश की जड़ों में धर्मनिरपेक्षता इतनी मजबूत है कि इसे हिला पाना बहुत मुश्किल है। और बीजेपी का प्रचार तंत्र एक अरसे से यही करता आ रहा है, शाहरुख खान पर निशाना साधने की भी यही वजह है। आप जानते हैं आज क्या तारीख है? 11 अक्टूबर। इत्तेफाकन आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी है। अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बने थे जंजीर जैसी फिल्मों से, दीवार जैसी फिल्मों से, त्रिशूल जैसी फिल्मों से, डॉन जैसी फिल्मों से, और इन सब में एक समानता थी दोस्तों। क्या समानता? इन तमाम फिल्मों के लेखक थे सलीम जावेद। अब कल्पना कीजिए आज की तारीख में अगर ऐसा होने लगे, क्या होने लगे? पहला, ये तमाम फिल्में बड़ी हिट हों, इनके लेखक मुसलमान हों, और आप जानते हैं इन तमाम फिल्मों में समानता क्या है? ये तमाम फिल्में व्यवस्था के खिलाफ थी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट थी। अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता था वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो थे, यानी कि जो व्यवस्था चल रही थी उसके खिलाफ उसकी बगावत। ये थी अमिताभ बच्चन के किरदारों की खूबसूरती, जिसे लिखा था सलीम जावेद ने। मगर जब भी हम ये फिल्म देखते थे, हम ये नहीं कहते थे कि दो मुसलमानों ने ये फिल्में लिखी हैं। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, दीवार अगर आज की तारीख में रिलीज होती, जंजीर अगर आज की तारीख में रिलीज होती, क्योंकि ये किरदार सलीम जावेद ने लिखे हैं, क्योंकि ये किरदार व्यवस्था के खिलाफ हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, तो क्या हम अमिताभ बच्चन को एंटी नेशनल बोलते, अर्बन नक्सली बोलते? दोस्तों आज की तारीख में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, मुझे ताज्जुब नहीं होता अगर आज की तारीख में दीवार बनती तो ये लोग अमिताभ बच्चन को एंटी नेशनल बोलते, अर्बन नक्सली बोलते। समानांतर तौर पर क्या हो रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया में कुछ पत्रकार और कुछ टीकाकार शाहरुख खान को एक मुस्लिम सुपरस्टार बोल रहे हैं। ये लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। कुछ हद तक आंशिक तौर पर यह सही हो सकता है, मगर वो लोग ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के पाले में खेल रहे हैं। अगर तुम शाहरुख खान की पहचान को सिर्फ मुस्लिम तक सीमित रखना चाहते हो तो फिर तुम भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हो। फिर तो बहुत आसान है, शाहरुख खान को मुसलमान बना दो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हिंदू बना दो, फिर क्या होने वाला है सब जानते हैं। जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तमाम नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी रेड टीम में शामिल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं, उनको रिहा कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तो हमें एक्सपोज करना चाहिए, मगर जो लोग शाहरुख खान को मुस्लिम सुपरस्टार बताकर उनकी पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। मैं फिर दोहरा दूं, शाहरुख खान को इसलिए टारगेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए टारगेट नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। शाहरुख खान को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनकी जमीन पर धर्म निरपेक्षता है। वो एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री आपके मजहब को, आपकी जाति को देखकर आपको इनाम नहीं देता। मैं मानता हूं कि इस फिल्म इंडस्ट्री में काफी हद तक भाई भतीजावाद भी है, वंशवाद भी है, मगर जैसे मैंने कहा कि अगर आप में प्रतिभा है, आपकी जद्दोजहद लंबी चलेगी, कभी ना कभी आपको इनाम जरूर मिलेगा। और जब आपको इनाम मिलेगा तब आपका मजहब नहीं देखा जाएगा। बीजेपी के प्रचार तंत्र को फिल्म इंडस्ट्री से यही प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि हमारी नसों में यह सांप्रदायिकता इस कदर भर जाए कि हम जब एक फिल्म को देखें तो हम यह देखें
कि अरे ये जो हीरो है वो हिंदू है या मुसलमान है, अरे इस गाने के जो बोल लिखे हैं वो हिंदू है या मुसलमान है, अरे इस गाने का जिसने संगीत दिया है वो हिंदू है या मुसलमान है। वो लोग हमारी इस सोच को इतना घटिया करना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आम जनता, आप उनकी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। बताइए, होने देंगे? क्योंकि देखिए, मुद्दा यहां शाहरुख खान का भी नहीं है। शाहरुख खान के बेटे, अगर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, वो आज नहीं तो कल रिहा हो जाएंगे। मगर उनको इस वक्त परेशान किया जा रहा है। द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर जिस तरह का प्रोपेगेंडा 24 घंटे न्यूज चैनल्स के जरिए हमारे घरों तक पहुंचाया जा रहा है, हमारे बच्चों के नसों में भरा जा रहा है, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। सोचिए, आप जिस खुशनुमा अंदाज में सिनेमा में जाके एक फिल्म को एंजॉय करते थे, अब आप वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रचार तंत्र आपको मजबूर कर रहा है कि जब आप ये फिल्में देखने जाएं तो आप उस फिल्म के मजहब को देखें, उस फिल्म के एंटरटेनमेंट कोशंट को, या वो आपका कितना एंटरटेनमेंट करती है ये ना देखें। ये प्रचार तंत्र चाहता है आप ये करें। दुख की बात यह है दोस्तों कि कई इंडस्ट्रीज, खासकर जिनका प्रचार, जिनके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान थे, वो भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, BYJU's नाम की एक एजुकेशनल टेक कंपनी है, उनके ब्रांड एम्बेसडर हुए थे शाहरुख खान। अब उन्होंने शाहरुख खान को हटा दिया है। इतिहास दोहराया जा रहा है। आपको याद है, आमिर खान ने कहा था कि मेरी पत्नी कहती हैं कि मैं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं भारत के अंदर। तब स्नैपडील पर इस कदर दबाव बनाया था, और इस बात का प्रमाण, इस बात की तस्दीक स्वर्गीय मनोहर पारिकर ने भी किया था कि स्नैप डील को आमिर खान को हटाना पड़ा था बतौर ब्रांड एम्बेसडर। इस तरह से इन्होंने टारगेट किया था दोस्तों। अब बायजूज ने भी शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हटा दिया है। हालांकि मुझे समझ नहीं आता है कि शाहरुख खान क्यों बायजूज के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे, क्योंकि आपके सामने दोस्तों ये जो restofworld.org की खबर है उसके मुताबिक बायजूज जो है वो उन परिवारों पर निशाना साधती है जो उनके प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि बहुत ही अग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, और उसी के तहत ये लोगों पर निशाना साधते हैं। इस खबर के मुताबिक उसका एक मैं अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। 7 फॉर्मर एम्प्लॉइज ऑफ बायजूस से देयर इज अनदर रीजन फॉर द कंपनीज स्टेलर ग्रोथ, अ पनिशिंग इंटरनल कल्चर बेस्ड अराउंड प्रोफाइलिंग क्लाइंट्स, हार्ड सेल टैक्टिक्स एंड अनअटेनेबल टारगेट्स व्हिच क्रिटिक्स से means selling products to underprivileged families who cannot afford them. Baijus उन लोगों को अपने उत्पाद बेचती है जो उन्हें afford नहीं कर सकते, जिनके जेब में पैसा नहीं है। इनकी पूरी marketing strategy ऐसी है दोस्तों। तो कायदे से तो शाहरुख खान को इस company का brand ambassador ही नहीं होना चाहिए था, मगर Baijus भी क्या कर रहा है दोस्तों, ये लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है सत्ता के सामने खड़े होने की। दुख की बात यह है दोस्तों, मोदी सरकार में हमने अपने कई सेलिब्रिटीज को देखा है, कई सेलिब्रिटीज की पोल खोल खुल गई है। आपको याद है जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब गायिका रिहाना ने कहा था कि जो भारतीय किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको इंटरनेट की सुविधा भी मौजूद नहीं है, हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग, जिन्हें मनोनीत किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, जब उन्होंने यह मुद्दा उठाया था तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उन्हें खालिस्तानी बताने लगा था। और जैसे ही इन लोगों ने आवाज बुलंद की थी, हमारे कई हीरोज, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। सबसे ज्यादा दुख हुआ था मुझे इस आदमी को लेकर, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना की आलोचना शुरू कर दी थी कि आप लोग हमारे देश के मामलों में दखल ना दें। कौन सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर वो है दोस्तों जिनका नाम पैंडोरास पेपर्स में आया है। इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा एक खबर की थी, और एक खबर क्या थी, सरल भाषा में अगर मैं आपको बता दूं, खबर यह थी कि हमारे देश के कई धनी लोग अपना पैसा ऑफशोर कंपनीज के जरिए कुछ शेल कंपनीज में निवेश करते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उनकी जितनी कमाई है उसे छुपाते हैं
और विदेशी जमीन में शेल कंपनीज में उसे इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर लगाते हैं। तो बहुत दुख होता है दोस्तों जब मैं अपने फेवरेट सचिन तेंदुलकर को मोदी सरकार में इस स्तर पर गिरता देखता हूं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर में यह हिम्मत तो नहीं है कि वो मोदी सरकार से यह सवाल पूछे कि लखीमपुर खीरी में मेरे किसान बंधुओं को क्यों रौंद दिया गया। सचिन तेंदुलकर यह सवाल पूछेंगे, अक्षय कुमार यह सवाल पूछेंगे, क्योंकि 2014 से पहले जब उस वक्त की सरकार अपने नागरिकों पर दमन नहीं करती थी, दबाव नहीं डालती थी, तब अक्षय कुमार पेट्रोल की कीमत पर खुल के बयान देते थे, तब अमिताभ बच्चन पेट्रोल की कीमतों पे खुल के बयान देते थे, मगर अब जाके इनकी बोलती बंद हो गई है। मगर इन्हें अपनी देशभक्ति दिखाने का एक और मौका मिल रहा है। कौन सा मौका दोस्तों? टेनिस की सुपरस्टार मार्टिना नेवराचुलोवा ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी की नींव हिल गई है। उनका बयान क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर आई थी जिसमें अमित शाह ये बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं है और आजाद भारत के इतिहास में जितने भी नेता हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक नेता मोदी हैं। यह बयान दिया था अमित शाह ने। इसके जवाब में मार्टिना नेवराचुलोवा कहती हैं, यह मेरा अगला चुटकुला है एंड फॉर माय नेक्स्ट जोक। तो जिस तरह से रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग पर निशाना साधा गया था, क्या सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, साइना नेहवाल अब मार्टिना नेवराचुलोवा पर भी निशाना साधेंगे? क्योंकि मैं तो नहीं भूला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे आलोचकों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आलोचक पसंद है, मेरी तो कोई आलोचना ही नहीं करता। नहीं मोदी जी, दिक्कत क्या है, या तो आप उस आलोचना को सुनना नहीं चाहते, या फिर आलोचकों पर आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ को तो जेल भेज देते हैं आप। तो ये तो आप कहें ना। तो मार्टिना नेवराचुलोवा ने एक तरह से फिर पोल खोल दिया यहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जिसमें उन्होंने अमित शाह के उस बयान का मजाक उड़ाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाह नहीं है और इस देश के इतिहास के अब तक के सबसे लोकतांत्रिक नेता हैं। इसे मार्टिना नेवराचुलोवा ने एक मजाक बताया है। आज हम सबको अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि हम बतौर देश क्या बनते जा रहे हैं। आर्यन खान के खिलाफ कोई ड्रग्स नहीं मिलता, वो अब भी हिरासत में है। अजय मिश्रा जिनके बेटे जो आरोपी था, एफआईआर में जिसका नाम शामिल था, उन्हें बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार क्यों किया जाता है? उत्तर प्रदेश पुलिस में हिम्मत नहीं थी। गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की थी उत्तर प्रदेश सरकार की जांच से। उन्होंने कहा था कि यह मामला अगर सीबीआई के सुपुर्द भी कर दिया जाए तब भी इस मामले का कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे ही चीफ जस्टिस रमन्ना ने इस मुद्दे पर तल्ख तेवर अपनाए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार हरकत में आई और फिर अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा को गिरफ्तार करना पड़ा था। मगर अजय मिश्रा अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। क्या यह लोकतंत्र है? बताइए, क्या यह लोकतंत्र है? क्योंकि अजय मिश्रा लगातार इस मुद्दे पर गलत बयानी करते देखे गए हैं। उन्होंने कहा साहब एक पत्थर मारा गया और उससे गाड़ी पलट गई और उसमें किसान दबके रह गए। आप सब जानते हैं दोस्तों, अब तक आप वो वीडियो देख चुके होंगे जिसमें गाड़ी आती है, पीछे से मार के चली जाती है। रमन कश्यप के बारे में कहा था किसानों ने मार मार के, लाठियों से मार मार के खत्म कर दिया। साफ तौर पर वो वीडियो सामने उभर कर आया था जिसमें वो थार, वो जो महिंद्रा थार है, वो रुकती है, उसमें से भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सुमित जायसवाल कथित तौर पर निकलता है, जमीन पर रमन कश्यप पड़ा हुआ होता है घायल। और फिर एक और वीडियो आया था जिसमें रमन कश्यप किसी तरह से वहां से भागते हुए आगे निकलने का प्रयास करता है। ये तमाम चीजें कैमरा पर मौजूद हैं। अजय मिश्रा लगातार झूठ बोल रहे हैं मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में क्या आप कह सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र संपूर्ण है? ऐसे में अगर मार्टिना नेवराचुलोवा हमारे देश की लोकतंत्र पर सवाल उठा रही हैं, देश के गृहमंत्री अमित शाह के बयान का मजाक उड़ा रही हैं, तो क्या गलत कह रही हैं भाई?
क्योंकि 2014 से पहले इस देश की जनता में इतनी हिम्मत थी, इतना साहस था कि वो सत्ता पे बैठे लोगों से सवाल करती थी। आज आप में उतनी हिम्मत नहीं है, आप डर गए हैं। आपको धर्म का धतूरा इस कदर से चटा दिया गया है कि आपको लगता है साहब ये सरकार चलेगी तो देश में मुगलों का राज हो जाएगा। मगर साहब हम क्या करें, न्यूज चक्र का जो फलसफा वो यही है कि हम आपके सामने हकीकत पेश करते हैं और वो हकीकत अक्सर कड़वी होती है। उस कड़वाहट से मैं तो दूर नहीं जाने वाला हूं दोस्तों, वो कड़वाहट, वो हकीकत मैं आपके सामने लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।